केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हम लोग साथ में हैं। क्या कार्यक्रम है प्रदेश कार्यालय पे, आप लोग क्या किस तरीके का आयोजन है आज का? विकास की उड़ान, ये केवल पतंग उड़ाने का काम नहीं, इसके माध्यम से संदेश है। ये विकास की उड़ान जो उत्तर प्रदेश ने भरी है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए गरीबों को पक्के मकान बनाकर देना, बिजली के कनेक्शन देना, महीने में दो बार मुफ्त राशन देना, नल से स्वच्छ जल देना, 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, सड़क गांव गांव तक पहुंचाने का काम, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये जो विकास की उड़ान मोदी योगी जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में की है, इस विकास की उड़ान को और ऊंचा लेकर जाना है, उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाना है, इसको निरंतर जारी रखना है। तो पतंगोत्सव के माध्यम से बसंत पंचमी के दिन हमने करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल एक बार फिर खिलाएंगे। एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ जो भाषा है इस चुनाव में वो काफ़ी ऐसे देखने को मिल रही है, कोई कहता है मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, कोई कहता है खाल निकाल लूंगा, क्या ये किस तरीके की भाषा, इसको कैसे देखते हैं आप? ये इनकी घबराहट है, बौखलाहट है, छटपटाहट है, इसलिए इस तरह के बयान आते हैं। कोई कहता है घाट तक छोड़ाऊंगा, कोई कहता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को गाड़ देंगे, कोई कहता है चर्बी निकाल देंगे। देखिए, ये वही लोग हैं जो अपराधियों को शरण देते थे, जो माफिया राज के माध्यम से गरीबों की जमीन को झपट लेते थे, कब्जा कर लेते थे। जनता इनको कभी वापस नहीं देखेगी, अपराध की वापसी नहीं होगी, माफिया राज की वापसी नहीं होगी। जनता ने तो विकास की रफ्तार को देखा है, इसको और बढ़ाना चाहेंगे, मोदी जी योगी जैसे गरीबों के मसीहाओं को गरीबों के लिए भले के काम करते देखा है, इसको और करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विकास की उड़ान है, इसको और ऊंचाई तक ले जाइए। उत्तर प्रदेश को आपने 2 नंबर पर पहुंचाया है, अब पहले नंबर पहुंचाने का काम कीजिए। सर, पहला फेज पश्चिम उत्तर प्रदेश है, अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? पहले भी हुए राहुल जी और अखिलेश जी भी हुए, मायावती जी, अखिलेश जी हुए, जयंत जी हुए, सब मिलके भी हो लिए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, कोई नहीं चाहता कि उनकी बहन बेटी असुरक्षित महसूस करे, कोई नहीं चाहता कि उनका व्यापार बंद हो जाए, कोई नहीं चाहता कि दंगे हों, कोई नहीं चाहता कि समाज बटे। जो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति हो, विकास हो और विकास की उड़ान आगे बढ़ती रहे, वो सब लोग यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार विकास की उड़ान को और ऊंचाई पर ले जाए। इस बार कैसी हवा देख रहे हैं चुनाव की? जो पतंग है, पतंग में तो हवा जरूरत पड़ती है, चुनाव में कैसी हवा देख रही है? चुनाव की हवा भी भगवा फहराने वाली है, कमल खिलाने वाली है, मोदी योगी जी को एक बार फिर सेवा करने का अवसर देने वाली है। 300 पार का आंकड़ा पार होगा? ट्रिपल सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी लगाएगी, 17 में भी लगाया था, 19 में भी लगाया था, अब 22 में भी करके दिखाएगी। तो ये थे अनुराग ठाकुर जी, जो साफ तौर पे एक तरफ पतंगबाजी का कार्यक्रम है बसंत पंचमी के मौके पर, दूसरी तरफ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी है कि ये विकास का जो मॉडल उत्तर प्रदेश में लेके भारतीय जनता पार्टी जिसको चल रही है, जिसके मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रही है, उसके मुद्दे विकास के मुद्दे को और ऊंचाई देने के लिए ये पतंगबाजी का उन्होंने आज कार्यक्रम का आयोजन किया है कि लोग जान सकें कि उनकी जो पतंग है, उनकी जो उड़ान है वो विकास की है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 News, लखनऊ।